उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ के सरधना में प्रभावी मतदाता संवाद के द्वारा सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो लाल टोपी लगाकर जालीदार टोपी जेब में रखकर घूमते हैं, उन्हें जवाब देना होगा। अखिलेश यादव को ना कोरोना का टीका पसंद है, ना माथे का टीका पसंद है। भाजपा की सरकार गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम करती है। अगर सपा गठबंधन यूपी के 24 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है, तो भाजपा गठबंधन 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में तुष्टिकरण, वोट बैंक की राजनीति के चलते सिर्फ धर्म विशेष की बेटियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, वहीं भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए कन्या सुमंगला योजना से बिना भेदभाव के सभी बेटियों को जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में आर्थिक मदद की गई। उन्होंने कहा कि सपा ने सिर्फ किसानों को ठगने का काम किया है, वहीं भाजपा सरकार में किसानों को सम्मान मिला, उचित मूल्य का भुगतान किया गया। हमारी सरकार ने पहले कैबिनेट में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ किया। किसान सम्मान निधि के तहत 2.55 करोड़ किसानों को 42,556 करोड़ यानी कि 42,565 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। 5 सालों में 1.52 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान यहां पर किया गया और साथ ही साथ किसानों की उपज को दोगुनी खरीद की गई, एमएसपी को भी 1.5 गुना किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के शासन काल में माफिया और अपराधी खुलेआम घूमते थे और पुलिस भी अपराधियों से डरती थी। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी तो हमने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता में रखा, अपराधियों और माफियाओं को जेल भेजा। प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली, लोग इस बात को भूले नहीं हैं। उन्होंने जनता से एक बार फिर भाजपा को जिताने की अपील की, साथ ही कहा कि 10 मार्च को भारी बहुमत से फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सपा तो सपा है और जब तीनों गठबंधन नहीं हरा सके तो अब क्या हराएंगे। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो राम मंदिर नहीं बनता, कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटता। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 घंटे बिजली आती थी, हमारी सरकार में 24 घंटे आ रही है। इनको पहले देश के हमारे वैज्ञानिकों ने पहले कोई भी बीमारी हो अगर टीका लगाने की जरूरत पड़े तो हम अमेरिका, रूस और चीन की तरफ देखते थे, लेकिन मेरे भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका जब तैयार कर दिया तो श्री अखिलेश यादव जी को न कोरोना का टीका पसंद है, और जो बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं या मंदिर में पुजारी तिलक लगाते हैं, न इनको कोरोना का टीका पसंद और न इनको माथे का टीका पसंद। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए काम न करेंगे और गुंडों के लिए काम करे, हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, नौजवानों के लिए काम करे, माता बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करे कि गुंडे अपराधियों के लिए काम करे। हमारी सरकार का अस्पष्ट चिंतन है सबका साथ सबका विकास सबकी सुरक्षा। अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा का खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यूपी के 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा की गारंटी। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहां पर प्रार्थना करके जा रहा हूं, फिर आऊंगा, कब 10 फरवरी को आप वोट डाल लो, लेकिन 10 मार्च के बाद 2017 से भी अधिक वोटों से जीता करके संगीत सोमनी को आपको यहां से भेजने का काम कर लोगे। दोनों हाथ उठा बताइए, 2017 से ज्यादा वोटों से श्री संगीत सोमनी को विजयी बना करके भेजिए। मैं आपको एकदम आश्वासन दे करके जा रहा हूं, भरोसा दे के जा रहा हूं, 10 मार्च के बाद एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा। और आकर के आशीर्वाद लेकर के, वैसे यहां नगली तीर्थ पास में मैं आया था, पिछले दिन आशीर्वाद दिया था, संगीत जी भी थे, समय सिंह सैनी जी भी थे, सभी लोग थे, अध्यक्ष जी भी थे। देखिए बजट पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह 10वां बजट है। यह बजट मैं कहूं कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक क्रांतिकारी बजट है। इसमें विशेष तौर से गरीबों के लिए, किसानों के लिए,
नौजवानों के लिए, माताओं बहनों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह बजट अपने आप में इतिहास रखने वाला है। इस बजट का बहुत परिणाम होगा और यह भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट में तो देश का है लेकिन इसमें सबसे अधिक लाभ जो है वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने 2017 से 2022 तक जबरदस्त काम किया है, विकास किया है। जो कुछ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं था वो उपलब्ध कराया है, जिनकी सुरक्षा खतरे में थी उनकी सुरक्षा भी उपलब्ध कराने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ये जो बजट है वो हमारे क्षेत्र के लिए है, गरीबों के लिए या मध्य वर्गीय परिवार के लिए। देखिए, आलोचना करने के लिए कोई भी कर सकता है लेकिन श्री राहुल गांधी जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बजट का अध्ययन कर ले, ना हो तो अपनी टीम से अध्ययन करा ले कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो वाला बजट नहीं है, कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। जिस बजट को समझें तब बोले। नहीं, जो इत डाल करके 280 करोड़ रुपया एक साथ इकट्ठा कर देते हैं उनको बजट ही कैसे प्यारा होगा। जिनकी सोच जिन्नावादी है, जिनकी सोच अपराधियों के समीकरण की है, जिनकी सोच दंगाइयों के संरक्षण की है, जिनकी सोच कैराना सहित उत्तर प्रदेश में लोगों को पलायन करने के लिए विवश करने वालों को, लोगों को टिकट देकर के विधानसभा ले जाने की है, वह जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है कोई बेल में है और ऐसे अपराधियों के सर पे आजकल आप लाल टोपी देखते होंगे और जेब में उनके जालीदार टोपी रहती है। कौन? हाँ, देखिए श्री राम गोपाल यादव जी कौन है? श्री अखिलेश यादव जी के चाचा हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी के चाचा हैं तो उनको ये पता है कि हमारा भतीजा क्या करता है। जब इत्र डाल करके 280 करोड़ रुपया तैयार किए जा सकते हों तो बजट को अच्छा कैसे समझेंगे, जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और पूरे बजट का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलने वाला हो तो उसका स्वागत करने की जगह विरोध करने का काम करके प्रोफेसर साहब ने जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ने का काम किया। धन्यवाद दोस्तों।